गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू आर न्यू स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैंने ना ये ब्लॉग आज अभी शाम को स्टार्ट करा है, सो इट्स करेंटली 5 PM राइट नाउ। और अभी आई हैव टू थिंग्स लेफ्ट टू डू। एक है मुझे करने अभी करंट अफेयर्स आज वाले, और दूसरा मुझे कंप्लीट करना है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर क्वांट का, एंड दैट इज़ द मोस्ट बोरिंग एंड लाइक कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट चैप्टर फॉर मी। और ये अभी से नहीं है, मतलब स्कूल टाइम में भी हमारे में मेंस्ट्रुएशन चैप्टर होता था, तो स्कूल टाइम से ही मुझे ये कभी पसंद नहीं था, कभी मुझे समझ भी नहीं आता था, और वो चीज़ अभी तक चली रही है। तो मैं पढ़ चुकी हूँ चैप्टर ऑलरेडी पहले कई बार, पर वो मुझे हर बार मतलब बहुत ना ऐसा टास्क होता है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो चैप्टर। तो मैं कोशिश करूंगी टू गेट अ ग्रिप ऑन दिस चैप्टर टुडे। तो आज अभी 5 बजे से लेकर जब तक भी मैं पढ़ूंगी 11-12 बजे तक, तो तब तक मैंने सोचा है कि मैं पूरा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर अपना आज कंप्लीट कर लूँ, या मतलब अच्छे से उसको थोड़ा यू नो स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, और बाकी मुझे एक करंट अफेयर्स और करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू दिस व्लॉग। तो मैं ना बस पढ़ना स्टार्ट ही कर रही थी, तब तक मम्मी ने मुझे बुला लिया था क्योंकि हमारे घर में बनी थी छाछ, तो पहले मैंने पी ये छाछ जिससे काफ़ी अच्छा रिफ्रेशिंग सा लगा। उसके बाद ना गाइस 5:10 हो गए थे, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा 5:10, 5:15 के अराउंड। और मैंने ना पहले सोचा था कि मैं पहले मैथ्स पढ़ूंगी, इसलिए मैंने अपनी कॉपी और पेन वगैरह भी निकाल लिए थे, लेकिन फिर मेरा सडनली माइंड चेंज हो गया। मैंने सोचा कि पहले करंट अफेयर्स कम्प्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैथ्स स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए अभी मैं ये अफेयर्स क्लाउड का वीडियो लेक्चर देख रही हूँ, और मैं वीडियोस में अपने पहले बता चुकी हूँ कि मैं करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करती हूँ। तो वैसे मोस्टली मैं उनकी पीडीएफ ही पढ़ती हूँ, लेकिन आज मेरा पीडीएफ पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मुझे थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था, इसलिए आज मैंने उनका वीडियो लेक्चर अटेंड करा। तो मैंने अपने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए थे पहले 50-55 मिनट्स में। तो मैथ्स में जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ना है एंड हाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, तो अभी मैं कर रही हूँ हर्षल सर की क्लास अटेंड। और ये ना उनका मेंस्ट्रुएशन पे वन शॉट वीडियो लेक्चर था जो आई थिंक 4-4.5 घंटे का था, और ऑफकोर्स इसको मैंने ना पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था, पूरा एक साथ नहीं पढ़ा था। तो गाइज, इससे पहले वाली क्लिप में मैं वॉइस ओवर में आई थिंक आपको ऑलरेडी बता चुकी होंगी कि मैं हर्षल सर की क्लास अटेंड कर रही हूँ अभी मेंस्ट्रुएशन की, एंड आई एम ट्राइंग रियली रियली हार्ड टू फोकस कि सर क्या समझा रहे हैं वो मुझे अच्छे से समझ आ जाए, जबकि अभी तो वो बहुत ईजी चीज़ समझा रहे हैं, पर मेंस्ट्रुएशन के नाम पर ना माई माइंड जस्ट गोज ब्लैंक, वो कुछ समझना ही नहीं चाहता है। तो अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए, और इसलिए ना मैं नोट्स भी बना रही हूँ, मतलब जो एकदम छोटे बच्चों को भी पता होगा ना, जिन्होंने स्कूल में मेंस्ट्रुएशन पढ़ा होगा उनको भी पता होगा, उस चीज़ के भी मैं नोट्स बना रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा ईजी हो जाए। सो येस, नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर लेक्चर। पेन ही गिर गया मेरा। वैसे तो ना गाइस, क्वांट के लिए मेरे हमेशा से दो ही सोर्सेज रहे हैं, आशीष अरोरा सर और नवनीत सर, लेकिन मेंस्ट्रुएशन चैप्टर ना मुझे उनसे भी समझ नहीं आ रहा था। और हर्षल सर का मैंने बहुत सुना है कि वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत लोग उनसे पढ़ते हैं, और फिर मैंने जब सर्च करा तो मुझे उनका ये वन शॉट लेक्चर भी मिल गया 4 घंटे का, तो मैंने सोचा कि इसी को मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता 4 घंटे में पूरा चैप्टर ही समझ आ जाए। तो मैं ना इतनी बेसिक सी चीज़ों के भी नोट्स बना रही हूँ क्योंकि हाँ मुझे चैप्टर समझ नहीं आता, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं बाद में भी कभी रिवाइज वगैरह करूँगी या अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़े ऐसे बेसिक से नोट्स बना लिए हैं, तो प्लीज़ डोंट जज मी गाइज। सो गाइज, अब मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख, एंड आई डोंट नो मुझे सिर्फ भूख ही लग रही है या फिर मैं अपने ये इस बेकार से चैप्टर से भागना चाह रही हूँ, बट यस वैसे भूख भी लग रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा किचन में जाती हूँ, फिर कुछ खा पी के आती हूँ, उसके बाद मैं वापस अपना जो अपना लेक्चर है उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। सो यस, तो चलो आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ, लेट्स गो, और हम कर लेते हैं अपनी रिंग लाइट को बंद। चलो। सो गाइज, मेरे पास दो ऑप्शन है ब्रेड पे लगा के खाने के लिए, एक तो पीनट बटर है, एक नटेला है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हेल्दी ऑप्शन चूज़ करूँ या अनहेल्दी करूँ, और ये दोनों एक एक बार लगा के खाने पे हो जाएंगे अभी ख़त्म। तो ये है एक पीनट बटर और ये नटेला, अब मैं कन्फ्यूज हूँ कि कौन सा चूज़ करूँ। सो आई एम गोइंग विद द हेल्दियर ऑप्शन, पीनट बटर ही लगा रही हूँ मैं, और ब्रेड भी निकाल लिया मैंने।
अभी मैं वापस से अपनी क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी ना सर थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल्स वगैरह करा रहे हैं, तो मैं भी वही कोशिश करूँगी समझने की और सॉल्व करने की। सो यस, दैट्स द अपडेट एंड यस, लेट्स स्टार्ट स्टडी। अभी तो मैं हर्षल सर की क्लास से न्यूमेरिकल कर रही हूँ, बट एट वन पॉइंट मुझे उनसे भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैंने दूसरी कोई क्लास अटेंड करी थी थोड़ी सी देर के लिए मेंसुरेशन की, लेकिन फिर वो मुझे नहीं जमा, तो मैं वापस हर्षल सर की क्लास में ही आ गई कि चलो ठीक है, दो तीन बार अगर देखूँगी बार बार क्लास को तो शायद मुझे समझ आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने से तो वैसे ही बिल्कुल ही नहीं आता समझ में। तो मैं अभी हूँ सोसाइटी में और हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही थोड़ा बाहर घूमने के लिए, मतलब रात में अभी आई थिंक 10:30 या 11:15 हो रहे हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रोज़ दिखाती रहती हूँ कि मैं रात में घूमने जा रही हूँ। हम लोग ऐसे बस गेड़ी मारने जाते हैं बेसिकली। सो यस, वी आर गोइंग। वी आर बैक और अभी हम अपनी सोसाइटी में वॉक कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है और अब मैं कल से सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा रात में ही आऊँ वॉक करने, क्योंकि शाम के टाइम पर तो आजकल ना बहुत गर्मी होती है, तो अभी अच्छा लग रहा है। सो आई एम बैक एट होम गाइज और अभी बस मैं 30-45 मिनट्स और पढ़ूंगी एंड देन आई विल बी ऑफ, क्योंकि इससे ज़्यादा अब मेंसुरेशन तो मैं और ज़्यादा नहीं पढ़ने वाली आज। मैंने सोचा था कि मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी, पर क्योंकि एक तो मुझे चैप्टर ऑलरेडी डिफिकल्ट लगता है और ऊपर से मैं अगर पूरा लेक्चर एक साथ देख के कर भी लूँगी ना तो उतना ज़्यादा मैं अच्छे से नहीं समझ पाऊँगी, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको लेके चल रही हूँ। तो मेरे करंट अफेयर्स हो गए हैं और मेंसुरेशन भी मेरा काफ़ी कुछ हो गया है, मतलब मुझे आ रहा है हर्षल सर की क्लास से समझ, तो अभी मैं उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ और बाकी के क्वेश्चंस वगैरह मैं कल प्रैक्टिस करूँगी। तो हाँ, अभी पर मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है, सो अभी थोड़ा सा लेक्चर ही मैं और देखूँगी, तो चलो वो भी कर लेते हैं। तो गाइज़, मैंने क्या क्या सोचा था आज कि मैं पूरा मेंसुरेशन चैप्टर एक बार में कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि वैसे ही मुझे चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती। इसलिए मैंने आज तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके सीखे हैं और थोड़े से बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वही सॉल्व करे हैं, और अब मैं कल इनका थोड़ा सा एडवांस लेवल करूँगी, थोड़े और कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो आज पढ़े हैं उनका भी रिविजन वगैरह करूँगी, ताकि ये मेरा थोड़ा चैप्टर सॉलिड हो पाए, स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो मेरी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, पूरी से मतलब चैप्टर तो मैं कंप्लीट कर नहीं पाई, मैंने आपको रीज़न बताया था, लेकिन अभी मैं और नहीं पढ़ रही हूँ, अभी आज के लिए मेरी पढ़ाई हो गई है। और वैसे तो मुझे अभी आइडियली तो सोना चाहिए, लेकिन ना मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा है मूवी देखने का, आर्टिकल 370, तो वो बहुत टाइम से मैं देखना चाह रही थी और अभी मेरे पास है वो मूवी, तो मैं वो मूवी देखने वाली हूँ। और क्योंकि दिन में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, 2-2.5 घंटे दिन में मूवी देखना इज़ जस्ट सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, जबकि रात में भी देखो तो सुबह थोड़ी सी लेट खुलती है नींद, पर हाँ फिर भी दिन में नहीं हो पाता है। तो अभी मैं देखने वाली हूँ वो मूवी और उसके बाद मैं सोऊंगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।